हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो। हम लोगों ने पासपोर्ट भी बनवा दिया और आइल्स का एग्ज़ाम भी दे दिया, तो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप? सो गाइस, जब तक आपका जो रिजल्ट होता है घर तक डिलीवर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है। तो उस 1 मंथ में आपको उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो आप वो टाइम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? यू नीड टू सेलेक्ट योर कोर्स एंड अ कॉलेज। आपको अपने कंसल्टेंट के ऊपर नहीं रहना है कि वही करके देगा सारा काम, आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आज की वीडियो में हम लोग इसी में बात करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट अ कोर्स एंड अ कॉलेज। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, हाउ टू सेलेक्ट अ कोर्स। तो कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप क्लास 12 के बाद आ रहे हैं कि बैचलर्स के बाद आ रहे हैं। अगर तो आप क्लास 12 के बाद आ रहे हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, और बैचलर्स के बाद भी आ रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड तो नहीं कह सकते, पर लेकिन जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे वो भी कोर्स होते हैं। तो जनरली कनाडा में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत तरह के कोर्स मिलते हैं। लाइक सबसे पहला होता है हमारा 1 ईयर प्रोग्राम, जो कि एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है। उसमें बेसिकली एक 8 मंथ का कोर्स होता है, जिसको अगर आप लेते हैं तो आपके पास फिर 16 मंथ का वर्क परमिट होता है। ये उनके लिए होता है जिनके पास काफ़ी पैसा होता है और उनको बस खाली आके एक डिग्री चाहिए रहती है। इट इज़ नॉट अ डिग्री, इट इज़ अ जस्ट अ सर्टिफिकेट कि आपने यहाँ से ये कोर्स करा है। और ये कोर्स करने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा जो मेन एम रहता है वो होता है PR के लिए। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको PR तो कभी नहीं मिलने वाली, बिकॉज आप कभी एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे, आपके पास इतना इनफ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। सो कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, हमारे पास होता है एक 2 साल का प्रोग्राम, तो उसको हम डिप्लोमा प्रोग्राम भी कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिप्लोमा करने ही आते हैं क्योंकि इट्स वेरी अफोर्डेबल। आप अफोर्ड कर सकते हैं इसको अगर आप लोन भी ले रहे हैं, तो बेसिकली आप अगर 20 लाख का भी लोन ले सकते हैं इसमें, तो 20 लाख में आपका हो जाना चाहिए अच्छे से अच्छे कॉलेज में। और बहुत से कॉलेज होते हैं जो उससे भी कम में आपको डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और इसमें ये 2 साल का कोर्स होता है, तो इसके साथ आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो 3 साल के अंदर आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, उसके बाद आप PR के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद कमिंग टू द थर्ड, 3 साल का एक बैचलर कोर्स। ऑफकोर्स ये बात है, अगर आप क्लास 12 के बाद आ रहे हैं तो आप बैचलर्स करने आ सकते हैं, नहीं तो डिप्लोमा इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद अगर आपने इंडिया में ही बैचलर्स कर रखी है, तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि आपके पास आपने इंडिया में भी बैचलर्स कर रखे, तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस वहाँ से है। और यहाँ पे अगर आप मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स की वैल्यू भी PR के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे आपको जॉब भी अच्छी खासी मिल जाएगी अगर आप मास्टर्स की डिग्री करने आते हैं। तो अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं इंडिया में, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ कम फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम। और अगर आप क्लास 12 के बाद आ रहे हैं, तो अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो बैचलर्स प्रोग्राम को, क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 lakhs आपको देने पड़ेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यस, आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पर लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो डिप्लोमा प्रोग्राम इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। मैंने भी डिप्लोमा ही प्रोग्राम चूज़ किया है यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है 3 साल का, आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो पैसे, आप डिप्लोमा प्रोग्राम के करने के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो सेलेक्ट कैसे करना है गाइस, उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि कैसे आप अपने प्रोग्राम देख सकते हैं, कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए और आप कौन से कॉलेज में जा सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन माई लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइस, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। लेट्स सपोज हम लोग करते हैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इन कॉलेजेस इन कनाडा, तो हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ गई हैं। आपको किसी भी एक कॉलेज पे जाना है और उसके बाद उसकी सारी की सारी क्रेडेंशियल्स देख लेने की, मतलब क्या चाहता है आपसे, कि आपके क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आइल्स में, कितनी फीस होगी, आप सब यहाँ से आके देख सकते हैं। और अगर बेसिकली आपका एक एम है कि आपको ओंटारियो में आके पढ़ना है, तो उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे आके, आपके लिए मतलब काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर दिया गया ये, तो आपको यहाँ प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है इस वेबसाइट पे आने के बाद, और आपके पास पूरा बना के दिया हुआ है कैटेगरी वाइज कि आपको कौन से फील्ड में लेना है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए, जैसे आपको अगर कंप्यूटर एंड टेलीकॉम में लेना है तो आप इसमें आ जाइए। उसके बाद और भी बहुत बाइफर्केशन कर रखी है इसमें कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है स्पेसिफिक, तो आप किसी भी एक फील्ड को चूज कर लीजिए। तो उसके बाद आपको सारे कोर्सेज दिखा दिए जाएंगे कि ये नीचे कोर्सेज हैं,
आप इसमें से किसी भी एक कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉलेज का नाम दे दिया है, कैंपस बता दिया है, कौन सा इनटेक है, कैसा प्रोग्राम है, सब बता दिया है। अगर आपको फिर भी और कुछ जानना है तो यहाँ पे फिल्टर्स दे रखे हैं, आप फिल्टर्स का यूज करके देख सकते हैं कि आपको लाइक प्रोग्राम कितने साल का चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 1 साल का। तो आप ऐसे करके सेलेक्ट करके लाइक बेसिकली 2 साल का चाहिए तो वो करेंगे तो अपने आप ही सारे रिजल्ट्स को वो कर दिया जाएगा, फिल्टर करके आपके सामने दिखा देगा। तो बेसिकली वेबसाइट उनके लिए है जो ऑन्टारियो में आके पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ बेसिकली ऑन्टारियो प्रोविंस में आके पढ़ना है तो उनके लिए वेबसाइट बेस्ट है। आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोग्राम में चाहिए, उसके बाद यहीं पे बगल में कॉलेजेस की लिस्ट है तो आप अपना कॉलेज भी यहीं से चूज कर सकते हैं। तो अपने कंसेंट्रेट पर डिपेंड होने से अच्छा है कि आप भी अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और अपने लिए कोर्स एक अच्छा सा सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस यही थी इसकी, आप ऐसे ही देख सकते हैं अपना कॉलेज। सो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाके मुझे सीधे डीएम कर सकते हैं। और प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वेबसाइट जो मैंने दी है, तो आप अपने कोर्स वोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं वहीं से। सो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। With the